हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है मेरे सामने एक टोयोटा की इर्टिगा नीवा, और क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो एसी वेंट्स में से स्मेल आने लग गई है, और आपको डस्ट दिख रही होगी तो इसमें काफ़ी डस्ट भी ट्रैप हो गई है अंदर। तो आज इनकी वेंट्स को क्लीन करेंगे। क्लीनिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा कंगारू का एसी वेंट एंड डक्ट क्लीनर, जो कि मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है, और इसका परचेज़ लिंक मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो ये है कंगारू का एसी वेंट एंड डक्ट क्लीनर, भी अभी ओपन कर लिया है, और इसमें से ये एक पाइप निकली है जो कि पाइप काफ़ी स्मॉल है। तो ये मैंने दो मंगवाए थे, तो ये दूसरी वाली का है, तो मैं इसी को ही यूज़ करके इसको एक्सटेंड कर दूंगा पाइप को, जिससे कि डक्ट में जो है काफ़ी डीप तक जा सके। और कोशिश रहेगी डक्ट के अंदर जो हमारी जो कूलिंग कोइल वहाँ तक अगर जा सके। और स्टार्ट करने से पहले हम इसका एसी फिल्टर है उसको रिमूव कर लेंगे। तो पहले एसी फिल्टर को रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, इस कार में एसी फिल्टर को रिमूव करने के लिए अपना ग्लव बॉक्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मारुति में तो ओपन करने के लिए ग्लव बॉक्स का कवर रिमूव करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये सीधा दे रखा है, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इन क्लिप्स को प्रेस करके अपना जो है एसी फिल्टर बाहर आ जाता है। थोड़ा बेंड करना पड़ेगा, देखो यार काफ़ी डस्ट निकल रही है इसमें से, ये देखो कितना डस्ट हो गया, और ये जो पत्ते दिख रहे हैं ये इसमें से ही निकले हैं। अंदर से दिखाता हूँ, ये देखो कितना डस्ट ही हो रहा है अंदर से, काफ़ी डस्ट है अंदर। और ये देखो यार, ये क्योंकि ये कार जो है पेड़ के नीचे खड़ी होती है, तो पेड़ के ऊपर से जो निम्बोड़ियाँ वगैरह गिरती हैं या कुछ पेड़ के पत्ते वगैरह, वो सारे देखो यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं, तो इनको भी साफ़ करेंगे, इसको निकालना पड़ेगा। तो अभी भी क्योंकि पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी, ये देखो, और वो सारे यहाँ से अंदर चले जाते हैं। देखो ये चीज़ थी जो अंदर घुसी हुई है, और अगर अंदर दिख रहा होगा ये देखो यहाँ पे भी ये भी है, जमा हो रखी है अभी चीज़ें। अब देखो यार, क्योंकि ये छोटा है पाइप, तो इसमें ये जो एक्सटेंशन पाइप है इसको मैं अटैच करूँगा। तो अब मैं इसको धीरे धीरे इसमें डालूँगा पूरा जहाँ तक जाएगा, और इसको प्रेस करते हुए मैं धीरे धीरे बाहर खींच लूँगा। वो देखो वहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया, पूरा अंदर तक गया है, इसलिए वहाँ से निकल रहा है पूरा। सेम अब इसी में भी, इस सेम तरीके से इसमें भी डाल देंगे। अच्छा, ये भी डक्ट्स होती हैं तो इनमें भी ज़रूर डालना, मगर ये तो सीधा भी यहीं से निकल रही है तो इतनी ज़रूरत नहीं है इसमें डिफॉगर की। तो अभी से कुछ देर ऐसे ही रहने देते हैं जब तक ये फॉर्म ना सेटल हो जाए, जब तक कैबिन फिल्टर वाला एरिया क्लीन कर लेते हैं। फिल्टर क्लीन कर दिया है, वैक्यूम करके हवा मार दी, क्लीन हो गया तो भी चल जाएगा वन टाइम, और तो इसको तो बाद में लगाएंगे, पहले अंदर का जितना भी है साफ़ कर देंगे। तो यहाँ पर इतनी तंग जगह है और यहाँ पर वैक्यूम का होस पाइप तो जा नहीं पाएगा, तो एक जुगाड़ टाइप बनाया है, ये देखो वैक्यूम के आगे कपड़ा लगा के ये पानी का पाइप लगा दिया, और इसको डाल के अंदर से सारी डस्ट को खींचेंगे। और अब देखो काफ़ी क्लीन हो गई ये जगह, गीले कपड़े से भी साफ़ कर दिया, काफ़ी क्लीनिंग हो गई है। ये देख रहे हो सामने उसका ब्लोअर है, तो ब्लोअर पे तो मुझे ज़्यादा डस्ट दिख नहीं रही है, यहाँ से ब्लोअर पे भी डाल देंगे मगर थोड़ा सा, और आई डोंट नो ये चीज़ क्या है। तो यहाँ पर अपना छोटा पाइप करके इस पर भी डाल देते हैं जितना जाएगा। ये देखो पूरे ब्लोअर पे डाल दिया, अब ये ब्लोअर को भी क्लीन कर देगा, और इसके आसपास के इसमें भी डाल देते हैं। बस ख़त्म ही हो गई है पूरी, अब थोड़ा देर वेट करते हैं। 5 मिनट हो गए हैं और फॉर्म जो है सेटल होनी स्टार्ट हो गई है। सेटल क्या मतलब, बेसिकली वो लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड बन के जो अपना एसी का जो डिस्चार्ज पाइप होता है वहाँ से निकलता रहेगा। ये देखो नीचे की तरफ को,
देख रहे हो पानी निकल रहा है और ये इतना काला पानी है। ये देखो यहाँ से टपक रहा है, तो वो जितनी भी फॉर्म ऊपर डाली थी वो लिक्विड बनके पूरे एसी डक्ट को और कूलिंग कोयल को क्लीन करती हुई यहाँ से निकल रही है। 5 मिनट वेट और करते हैं और उसके बाद फिर एसी ऑन कर देंगे। तो ऑलमोस्ट 10-15 मिनट हो चुके हैं अब, और ये देखो फोमिंग कितनी सेटल हो गई है। तो अब गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं 1 नंबर की स्पीड से, एसी को ऑन कर देंगे। ये देखो ये फोमिंग निकलेगी, धीरे धीरे निकलेगी क्योंकि सारी वैसे तो फॉर्म बन चुकी है, बट जितनी निकलेगी इसको हम कपड़े से लेते रहेंगे। तो यहाँ से इसको हम ऊपर वाले पे कर देंगे। ये देखो ऊपर से निकल चुकी है ऑलमोस्ट, तो एसी को चला छोड़ देंगे 10-15 मिनट तक। अब एसी को भी ऑन रखेंगे, पूरा वेंट को क्लीन हो जान देंगे। फोमिंग थी सब निकल गई है, ऑलमोस्ट सब क्लीन हो गए हैं। अब फैन की स्पीड को हम तेज कर देंगे, इससे कि जितनी भी हमारा फोमिंग होगी सब बाहर आ जाएगी। ये भी 1 बाय 1 वेंट्स को करेंगे। तो ये करने के बाद अब हम थोड़ी देर एसी बंद करके, गाड़ी भी गर्म हो गई है, इसको हॉट पे चलाएंगे बिल्कुल, जिससे कि गर्म हवा आएगी और जो भी मॉइस्चर होगा वो सब सूख जाएगा। इसको भी फुल पे चलने देंगे 5-10 मिनट और उसके बाद हमारा पूरा वर्क जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो ये चल रहा है, और नीचे का दिखाता हूँ, ये देखो कितना तेज़ पानी निकल रहा है, जो कि अभी मैंने एसी नहीं चला रखा, खाली जो है हीटिंग पे ब्लोअर चल रहा है, और ये कितना पानी निकल गया है। ये सारी इसमें डस्ट निकली होगी। ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं हीटर चलते हुए, और अपना प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हीटर को बंद कर देते हैं, कैबिन फिल्टर लगा दिया, और अब इसका ये लॉकिंग मैकेनिज्म भी फिट कर देते हैं, और ये हो गया डन। तो अपना काम फिनिश हो गया, स्मेल चली गई है बिल्कुल, हल्का सा हवा का फ्लो भी तेज हुआ है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा फर्क पड़ा क्योंकि ज़्यादा दस्त भी था नहीं, पर ठीक है, काफ़ी सही हो गया ये चीज़। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।